वालेकुम, गुड इवनिंग। ओ जी, कहने वाली कोई गली नहीं, डायरेक्ट बोलो जय हिंद। ओ जी, मैं शेखर सिंह देश के हर जवान, बूढ़े, बच्चे, गर्ल्स और बॉय का तहे दिल से स्वागत करता इस कॉमेडी से सजे और देश की मिट्टी से रंगे शो में, जिसका नाम है देख इंडिया देख। ओ जी, साढ़े देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें देख के लगता है ये कह कह लोग हैं, पर तुसी तो जानते हो कि सिंह इज किंग। हाँ जी, ओ जी, साढ़े देश दी गाली कुछ हो रहा है। बाहर के देशों में पहले सड़क बनाते हैं, फिर उनके ऊपर स्पीड ब्रेकर बनाते हैं ताकि गड्डी स्लो चले, और साढ़े यहाँ सड़क ही नहीं बनाते, गड्डी गड्ढों पे ही स्लो चल दी है, बेकार में पैसे बर्बाद ही नहीं करते हम। अमेरिका को देखो, कितने साल हो गए आज़ादी का मतबल ही नहीं मालूम, लेकिन साढ़े लोगों को देखो, आज़ादी के 60 साल हुए हैं, आज़ादी का सही मतलब हमसे पूछो। कहीं भी थूक देते, कहीं भी मुंह उठा के चल पड़ते, कहीं भी कचरा डाल देते, ये होती है आजादी। बाहर के देशों में चैन स्मोकर होते हैं और साढ़े देश में बेचैन स्मोकर होते हैं। इतने बेचैन स्मोकर होते हैं कि कहीं लिखा हो नो स्मोकिंग, दो बंडल बीड़ी वहीं फूंक डालते। साढ़े देश के ऐसे ही कुछ अनमोल नमूनों को असी लेके आए हैं तुम्हारे लिए शो में, जिसका नाम है देख इंडिया देख। देखे क्या है कि भारत तीन चीजों के लिए मशहूर है, अतिथि सत्कार, पड़ोसी से प्यार और हवलदार की मार। इतिहास गवाह है भैया कि सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। करेक्ट, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा अमर है, देवानंद से लेकर अकबर बीरबल तक, समझ रहे हो आप। भारत संत साधु और सरकारी कर्मचारियों का देश, जो परम शक्तिशाली और परम आलसी। मिलिए कुछ ऐसे आम मगर मसालेदार करेक्टरों से। ओ जी, कुछ भी कहो, साढ़े देश की पुलिस जनता के प्रति ईमानदार और जगरूक है, जिनकी सुरक्षा की छाव में आप चैन की नींद सोते। ऐसे ही दो बहादुर पुलिस वालों को हम आपसे मिला दें। लेडी एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम हवलदार कालेन कलम। बंद करने का सीटी बंद। आओ जी, पाजी पाजी, आप दोनों का इस शो में स्वागत है। स्वागत वागत बाद में, पहले ये बोलने का परमिशन ली क्या? ओ कमाल है जी, ओ स्वागत के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। स्वागत के लिए नहीं, शूटिंग के लिए परमिशन ली क्या? तुमको कदम का गुस्सा नहीं मालूम? ये कदम जरा गुस्सा दिखा तेरा। अब बोलो। हाँ ली है। ली है? ओ सब छोड़ो, एगल दसो जी, तुसी हमेशा लोगों को गड्डी पी के चलाने को मना कर दो और खुद पींदे हो। हाँ पीता है, लेकिन गाड़ी थोड़ी चलाता है। वो गाली तो सही है, और तुसी तुसी सुना है बगैर चाय पानी लिए कोई काम ही नहीं कर दे। मैंनू क्या, सारे इंडिया को ही पता चला है, क्योंकि सारा इंडिया आपको देख रहा है। हाँ, और क्या देख रहा है, असी बता दे को नहीं। चलो चलो जी, चलो, तो बड़ा सॉफ्ट है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, इतने लंबे कि कभी कभी आपकी जेब तक पहुंच जाते हैं, और इन्हीं लंबे हाथों का सदुपयोग करते हैं हवलदार काले और हवलदार कदम। ये हो गया क्या? नहीं। अरे कितना करेगा? अरे पेट भर के कर रहे ना। पेट भर के कर रहा है, जब पेट भर के कर रहा है। मजीद बोलू न कोस। ये रोक रहा, रोक रोक रोक। प्रेशर में कैसा रोकू? किस किस चरण पे बाइक रख सर? क्या है सर? एक थाम 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 थाम, इधर 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 सर। ये सर, ये जस्ती पेल है। ये क्या गाड़ी चलाता है इधर? अरे ये कहा पेल है? हैं, इसके तो मुंह से ही बदबू निकलता। ब्रश नहीं करता क्या? नहीं सर, निकल नहीं। देखिए सर, देखिए, मुझे मालूम है दारू पीकर गाड़ी चलाना अपराध है, तो बिना ब्रश किए चलाना नहीं, समझे?
काले ये राजा तू क्या खा के रे इतना गंदा बस मरते तेरे मुंह से सर ये तो वो जानती होगी कि वो क्या खा कर आई थी वो मंजे पॉपी शपी है क्या क्या सी जाती नहीं सर ये चुप सर माइनर होके लड़की का पप्पी लेता है मेजर केस होएगा नहीं 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 मेरा लाइसेंस देख लो सर मैं माइनर नहीं हूँ तो गर्लफ्रेंड माइनर होएंगी क्या बात कर रहे हैं सर सर वो मैरिड है सर माइनर लड़कियों का पप्पी लेता है तू सर आइडल्स केस है रे ये आइडल अरे सर क्या है सर मेरी बात सुनिए सर अरे कदम वो बोल रहा है चाय पानी दे रहा है क्या कर रहे हैं सर सर मेरी बात सुनिए वो मेरे से मैरिड है पहला बोलने का तेरे से मैरिड है यार सर दे दीजिए सर क्या कर रहे हैं सर ये देख बाबा राजा ये वन में समझते ना यू टर्न नहीं इधर चल निकल पर सर आप निकल कदम बहुत गुस्से में कदम तेरा गुस्सा दिखा चल निकल जाने का सर निकल फटाफट चल 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 दिखने का नहीं इधर ए थाम थाम रुक 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 ए रुक ओ शिट कदम गाड़ी में ड्राइवर नहीं है अरे बराबर देखना वो बैठी है अंदर अरे सच में गाड़ी में ड्राइवर नहीं है ओए चिक किच किच अरे अंदर अंदर देख बराबर वो बैठी है अरे माँ कसम मैंने देखा बराबर देखा गाड़ी में ड्राइवर हमारा नाम है शेखर मुखोपाध्याय की शेखर मुखोपाध्याय हमारा कोलकाता के लोग इतना मिष्टी मिष्टी बोलता है कि सुनने वाले को शुगर हो जाता है लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है लेकिन हमारे बंगाल में वो भी मीठा होता है हम बंगाली लोग गाली देता है तो इतने प्यार से देता है जैसे बर्थडे विश कर रहा है आई खोमिना आगे वाला बोलता बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से दो ना हमारा बंगाल ने क्या क्या नहीं दिया सत्यजीत ने दिया सत्यजीत मास्टर डायरेक्टर किशोर दा दिया कुमार सानो दिया बप्पी ला दिया बप कोई बात नहीं गलती सबसे होता है सुष्मिता सेन दिया दिलीप सेन दिया समीर सेन दिया रिया सेन तो दिया ही दिया तानसेन दिया नहीं तानसेन तो मुगल सल्तनत ने दिया तो मुगल सल्तनत ने अकबर भी दिया अब वो सल्तनत तो हम वापस नहीं ला सकता इसलिए हम अकबर को ले आया और जहां अकबर वहां बीरबल दोनों को बाय वन गेट वन फ्री ऑफर में इस शो में आपके लिए हम लाया है बाद अब्बा मुलाया होशियार बादशाह सलामत तो शरीफ ला रहा है ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए मुझे क्या पता मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूं इधर तुम जहां जाते हो फर्स्ट टाइम ही जाते हो क्या सेकेंड टाइम जाने लायक नहीं छोड़ते हो आप ये कौन गुस्ताख है जो अदब से झुककर हमें सलाम नहीं कर रहा ये सच्चा हिंदुस्तानी है जो सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता बादशाह सलामत क्षमा कीजिएगा हम इस शो का होस्ट है आप दोनों का बहुत स्वागत है आपका सारे हरकतों को इंडिया देख रहा है अभी कोने में चलो हम दिखाता है इंडिया क्या क्या देख रहा है चलो बादशाह जिस तरह गरीबी हमारे देश के लिए करप्शन हमारे सिस्टम के लिए और टीआरपी हमारे शो के लिए वफादार है उसी तरह आज भी बिरबल अकबर के लिए वफादार है रिसेशन की वजह से अमेरिका की भले ही बात लगी हो पर अकबर बिरबल की शान और शौकत
आज भी बरकरार है। हेलो डार्लिंग, रात में तुम्हारा ही सपना देख रहा था डार्लिंग, लव यू डार्लिंग। बीरबल डार्लिंग बाद में फोन करता हूँ। बीरबल ये बुड्ढे के खुद की तो कोई पर्सनल लाइफ है नहीं और मेरी पर्सनल लाइफ की बात लगा रहा है। बीरबल अरे क्या है, क्यों फटे स्कूटर के साइलेंसर की तरह चिल्ला रहे हो? तुम एक बार में क्यों नहीं सुनते? हम बीरबल हैं, कोई मनमोहन सिंह नहीं है। बीरबल हमारे जाने का इंतजाम करो, यहाँ खुद को प्रेशर लगा हुआ है, लेकिन पहले इनके जाने का इंतजाम करो। रहने दो। क्यों मूड कैंसिल हो गया? नहीं, याद आया कि कल रात हमने कुछ नहीं खाया तो जाके करेंगे क्या? हम मुंह धोएंगे। यहाँ पर इमरजेंसी चीजों को धोने के लिए पानी है नहीं, हम मुंह धोएंगे। तो फिर हम नहाएंगे कैसे? जैसे 6 महीने से नहीं नहाया है, थोड़े दिन और रुक जाओ, बारिश आने वाली है, फिर नहा लेना। तो बीरबल हमारे तबते खस में नस तपेश किया जाए। खोली में जगह जगह से पानी टपकता है, चूहे और कॉकरोच कबड्डी खेलते, दावते खास। मैं आता हूँ। अरे वाह बीरबल, जीते रहो। ये क्या है? बड़ा पाव। इतना छोटा? आज तो ये भी मिल गया है, कल से ये भी नहीं मिलेगा। क्यों? उधारी मांग रहा था वो। बीरबल तुम तो जानते हो कि हम किसी को उधार नहीं देते, हम शहंशाह हैं। क्या जमाना आ गया है, स्लम डॉग मिलेनियर हो गए हैं और ये ऐसे मिलेनियर हैं जो स्लम डॉग हो गए हैं। बीरबल हमारी बाकी की स्टाफ कहाँ है? तानसेन, सलीम, डोडरमल, उनको फोन लगाओ। सब लोग अपने अपने काम धंधे में बिजी हैं। सलीम वो कॉल सेंटर में काम करता है, तानसेन एक म्यूजिक कंपनी में हेड हो गए हैं और वो टोडरमल वो एक प्रोडक्शन कंपनी में कैशियर है, पैकअप के बाद सबको पर्दे बांटता है। फिर भी बीरबल हमें आज का शेड्यूल बताओ। वही रोज का, बस ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहन के फोकट में इधर उधर घूमो और क्या है? नहीं नहीं हम टहलेंगे नहीं, बीरबल हमसे मिलने कोई तो आ रहा होगा। हाँ हाँ आ रहा है। कौन? मकान मालिक। तो फिर हम टहलेंगे, चलो उठो। तो आप लोगों ने अकबर बीरबल की हालत देखकर ये तो पता लगा ही लिया होगा कि सर छुपाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, और हम आपको ये बता दूं कि एक सर चलाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। कम से कम एक ब्रेक तो लेना ही पड़ता है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्षमा कीजिएगा। आप सब लोगों का हम सखरवा स्वागत करता हूं। बस हंसे से गुदगुदाते सौम्य जिसका नाम है देख इंडिया देख। इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, एक तो बाहरी व्यक्ति और दूसरा बिहारी व्यक्ति को लोग फट से पहचान का है कि ट्विंकल ट्विंकल अक्षय कुमार सबसे आगे हमारा बिहार। हमारे बिहार के कुछ लोग इतना सफाई पसंद है कि कहीं से कुछ भी साफ कर जाते हैं। हमारे बिहार में थोड़ा बहुत गंदगी भी है। हम बोले सरकार से काहे कोई कदम नहीं उठाते हैं सरकार, सरकार फट से बोले हम कदम उठाए तो ससुरा हमारा कदम ही गंदा हो गया। अब का कहे, सही है सरकारी कर्मचारी धुत पोंगड़ा सब। अब ऐसा ही एक मिश्राइन से हम तुहरी मुलाकात करवाते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मालती मनोहर मिश्रा। हम इस समय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
ये कौन सा रिएक्शन चल रहा है? एक तो बात बताइए, सरकारी कर्मचारी इतना कमजोर काहे होते हैं? हैं? कैसे कैसे तो रिएक्शन दे तो भैया। अरे थोड़ा जल्दी बोलिएगा, टाइम बहुत कम है। टाइम तो लगेगा, सरकारी कर्मचारी हूँ। हाँ हाँ सही है, अब ये बात सारे इंडिया को ना पता चल चुकी है मोहन जी, क्योंकि इंडिया देख रहा है आपको। आप भी आइए कोले में छुप कर देखिए क्या देख रहा है इंडिया। हमारे देश के सरकारी कर्मचारी बहुत समझदार हैं। वो काम करने जैसी छोटी छोटी चीजों में वक्त बर्बाद नहीं करते। मालती मनोहर मिश्रा इसी विचारधारा में विश्वास रखती हैं। एक्सक्यूज मी म्युनिसिपल मटर्निटी होम में आपका स्वागत है। मैं मालती मनोहर मिश्रा, कहिए आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैटरनिटी वार्ड में एडमिट होना है। ओह, मतलब मैटरनिटी वार्ड में एडमिशन चाहिए? जी वही। नाम बोलिए। लक्ष्मी। आप तो कहीं से लक्ष्मी नजर नहीं आते। नहीं, मैं लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी पांडे, ये तो राकेश पांडे है। ओ, भाई बहन है? जी नहीं, मियाँ बीवी है। ये बीवी है, मैं मियाँ हूँ और बीवी को बच्चा होने वाला है। प्लीज। तो पहले बोलना चाहिए था ना। लक्ष्मी, थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज। टाइम तो लगेगा, सरकारी अस्पताल है। ओके ओके। लक्ष्मी पांडे, अगले हफ्ते आना। क्या? अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार आपकी डिलीवरी डेट अगले हफ्ते है। अरे लेकिन बच्चा तो अभी होने वाला है। आपको कैसे पता? बच्चा तो इन्हें होने वाला है। नहीं ये ठीक कह रहे, अभी होने वाला है, अर्जेंट एडमिट करना पड़ेगा। मतलब इमरजेंसी वार्ड में एडमिशन चाहिए। अरे कहीं भी कर दो लेकिन जल्दी करो प्लीज। नाम बोलिए। लक्ष्मी पांडे। बच्चे का नाम? आपका नहीं। अरे बच्चा हुआ नहीं तो नाम कहां से आएगा? माफ कीजिए, हम नाम के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, लिखिए मुन्ना पांडे। मुन्ना पांडे लिखिए। मेल या फीमेल? लड़का हुआ तो मुन्ना पांडे, लड़की हुई तो मुन्नी पांडे लिखिए। एज? क्या? उम्र बोलिए। माइनस कुछ मिनट लिखिए। कितने में से माइनस? अरे जितने बजे हो जाएगा उतने में से लिख लेना। अरे जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर चड्ढा को बुलाना। अरे थोड़ा जल्दी करो प्लीज। टाइम तो लगेगा, सरकारी अस्पताल है। ओके ओके ओके। बस डॉक्टर चड्ढा, डॉक्टर चड्ढा, डॉक्टर। अरे अब क्या हुआ? अस्पताल में दो डॉक्टर चड्ढा हैं, एक मैटरनिटी वार्ड वाले और एक ब्लड बैंक वाले। किसे बुलाऊं? आपको क्या लगता है किसे बुलाना चाहिए? मुझे लगता है शायद मटर्निटी वार्ड वाले डॉक्टर चड्ढा को। अरे तो बुला ना। डॉक्टर चड्ढा, डॉक्टर चड्ढा। कोई जवाब ही नहीं आया। अरे फोन पे बुला मेरी माँ, फोन पे, फोन पे बुला। हेलो, कैंटीन दही वड़ा है? है? एक प्लेट मेदू वड़ा भेज दो। अरे भाई एक बार फिर से मैं शेखर गुज्जर स्वागत करता हूँ तुम सब बैण भाई चाचा चाची फूफा फूफी ताई ताऊ का इस हंसी की नहर जैसे शो में जिसका नाम है देख इंडिया।
हमारे हरियाणा में दूध दही की नदियां बहती हैं, पर मिलावट सब जगह होवे से इसलिए दूध का पता ना चलता। ओ भाई दूध से याद आया मारी भैंस, ओ भैंस से याद आई मारी लुगाई। भाई लुगाई मारी हो या थारी, जिंगे को जाएगी दिखाएगी होशियारी। अब ऐसी एक होशियार भाई बहन को बुलाते हैं, जिनके भी जितना प्यार है उतना ही तकरार है। गलत मत समझिए, भाई बहन की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं जिग्नेश भाई और उनकी लुगाई भावड़ा बहन की। अरे भाई आण दे। अरे ये कोई तरीका है? इतनी देर से हमें बाहर खड़े रखा है, इनका तो ठीक है लेकिन मैं तो थक जाती हूँ ना। अरे इतना तो हमारे शादी के वक्त मैंने इनके लिए वेट नहीं किया था। भावना तेरे को इधर बुला के भाव दे रहे यही बहुत है, नहीं तो तेरा तो नाम ही है भावना। अरे भाई क्या हो गया? हुआ नहीं, होगा। ये भगवान भावना तू पेट से? अरे वो होगा होगा नहीं, अभी इसके साथ जो होगा ना वो होगा। ए मोटा भाई थारी बीवी अजीब है। मेरे को तो मालूम है, तू देख। रे भाई मैं तो देखूंगा ही, लेकिन थारे को सारा इंडिया भी देख रहा है। बावड़ी बूच है, तू भी कोने में हो ले और देख सारा मजा, चला जा। मम्मी बा टीवी पर छू, जय जिनेंद्र। भारत एक सहनशील देश है, हम इतने सहनशील हैं कि हम शादी निभाते हैं, इसी पवित्र बंधन को मरते मारते निभा रहे हैं जिग्नेश भाई और भावना बेन। अरे भावना लिफ्ट से आते तो नहीं चलता? ना पापा, मैंने लिफ्ट में भीख लगे। अरे चलो चलो, पूरा पैसा मांगना, एक रुपया मत छोड़ना। और हर बार मैं बोलती हूँ, इस बार तुम बोलना। हाँ हाँ बोलिश। जरा गुस्से से बोलना। हाँ हाँ बोलिश। चलो मैं। ए भावना। क्या छे वो? किधर है तुम्हारी वो जिम इंस्पेक्टर? किधर है वो इंस्पेक्टर? ए भावना भावना गांडी, जिम इंस्पेक्टर नहीं, जिम इंस्ट्रक्टर। हाँ हाँ वे, ए किधर है वो? आ जाए। ओह हाय हाय जिगू। जय जिनेंद्र। हाउ आर यू? And you're looking so handsome. Same to you, madam. मैं हूँ same to you. इतना समझा के लाई थी तुम्हें, लेकिन तुम तो भाई क्या भाई? इधर आओ तुम. और तुम हो इनके PT teacher. भावना PT teacher नहीं। हाँ वे। 15 दिनों में 15 किलो वजन कम करवाने के पैसे लिए थे। वजन कम होना तो दूर, यहाँ वजन बढ़ गया है। लेकिन आप तो हमारे जिम में नहीं आती। अबे डोबी मैं मेरी बात नहीं इनकी बात कर रही हूँ। और तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, बोलो। देखिए मैडम, बड़ी अजीब बीवी है तुम्हारी। मेरे को तो मालूम है, तुम देखो। क्या? नहीं मैं एक बात कहूँ जो यार। इससे बोलो। ओके व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अबे प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रॉब्लम इनकी है। ये शू बात कर रहे? ओ मैडम मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी बात में वजन है? हाँ। अच्छा चिग्गू बता दूं? ठीक है, इस तरह बाजी चल रही है? हाँ? अरे तुम बता दी क्यों नहीं? देखिए मैडम, हमने आपके पति का वजन कम करने की पूरी कोशिश की थी। कोशिश? कोशिश से क्या होता है? हमने आपको पैसे देने की कोशिश की, पूरे पैसे दिए ना, तो फिर आपको भी इनका वजन कम करवाने की कोशिश से अच्छा इनका वजन कम करवाना चाहिए था। हमने कहा था ना कि एक्सरसाइज करना जब तक पसीना नहीं निकलता। हाँ तो पसीना निकलने तो की करता था, ये ऊपर 5 माले पे आते आते ही पसीना आ जाता था। जिग्नेश चढ़ के आते थे? हाँ चढ़ के आते थे ना वे। मतलब मैं लिफ्ट से ही आता था, लेकिन लिफ्ट में पंखा बंद होता था ना तो पसीना आ जाता था। एक बार पसीना है, इसने बोला पसीना वो, तो मैं कुछ किए बिना ऐसे ही घर आ जाता था। अरे हमने तो आपके पति को बाहर का खाना खाने से मना किया था, सिर्फ घर का अच्छा खाना। जो
घर का बना हुआ अच्छा खाना, तू तो खाली घर का खिलाती है, अच्छा नहीं होता है। चुप रहो मैं। और वैसे भी शिकायत तो हमें आपसे करनी चाहिए। हाँ। आप रोज इनके हाथ में ढोकला दे देती हैं, ये तो खाते ही हैं और यहाँ पे हम सबको खिलाते हैं। जा जा मैं जुठड़ी, मैंने कब भेजा ढोकला? जिगू, वो किसके घर का ढोकला था? अरे किसके घर का ढोकला लाते थे? वो ग्राउंड फ्लोर वाली चारूलता के घर का। चारूलता? अरे वो चारूलता नहीं है, वो चालूलता है। वैसे तुम भी कुछ कम चालू नहीं हो। चलो पैसे दो, चलो। ढोकले के पैसे कितने हुए? चल जा जा आवे, ढोकले के नहीं डाल ढोकले, इनके वजन कम नहीं करने के। अच्छा तो हम इनका वजन नहीं कम कर पाए तो आप पैसे लेने आ गई? हाँ तो बड़ी। एक मिनट रुकिए, सलमान इधर आओ। यस मैम। जो भावना मने आवी बोड़ी जोए जे। जय जिनेंद्र सर। हालत देखो जरा इसकी, हालत आपके पति का वजन कम करते करते इसका वजन कम हो गया है। हाँ तो बस बराबर हो गया, हिस्सा फिटोस। क्यों फिटोस? अरे तो आपको डबल पैसे देने चाहिए। डबल पैसे? हाँ तो बड़ी, इनका वजन कम नहीं करवाने के और इसका वजन कम करवा देने के। मम्मी आ तो वन पीस छे। एक बार फिर से मैं शेखर रंग प्रथम छंद प्रथम वेणुगोपालम अन्ना ये मेरा फिटने भाई स्वागत करता है इस खामरी के देशी मसाले से बने शो में जिसका नाम है देख इंडिया देख। और इंडिया में इंडिया, साउथ इंडिया, मेरे माउथ में साउथ का फील दिखता होएगा। हमारे साउथ का बात ही कुछ और है। हमारे यहाँ के लोग रियल पानी से ज्यादा ना रियल पानी पीते। लोगों को धूप में निकलने से स्किन काला होने का डर रहता है, लेकिन हम लोगों को छांव में निकलने से स्किन गोरा होने का डर रहती है। हमारा साउथ इंडिया लोगों को फॉरेन का फील देता है, क्योंकि हिंदी किसी को आता नहीं, यह ना अपना सोना सोना, ऐसा हम लोगों का लैंग्वेज। हम लोगों का देश अनाड़ियों का देश है, जैसे मैं एक अनाड़ी, क्योंकि सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच्ची दुनिया वालों की हम है अनाड़ी। और ऐसे ही दो अनाड़ियों को मैं अन्ना मिलवाता है आपसे, जिनमें से एक फिल्मों में हीरो बनने का स्ट्रगल कर रहा है और दूसरा ये पता लगाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है कि वो बनना क्या चाहता है। सो प्लीज वेलकम बाइजू एंड बाबरा। अरे देखा ना, अरे सोचा ना, अरे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। क्या बात है, तुम तो एकदम हीरो लगता है। ये हीरो किसको बोला रे? सॉरी, मेरे को माफ करना। सर जी हम आपको माफ करने नहीं आए, हम यहाँ स्ट्रगल करने आए हैं। नो पार्किंग, बट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? आपको लगता है आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे? अरे क्यों नहीं, मुझ में क्या खराबी है? मैं बताता हूँ, ये इंडिया का ऐसा हीरो है, कोई भी छोटा या बड़ा हीरो हो सबको एक ही नजर से देखता है। ये देखो इसकी एक आंख खराब है। इसके दोस्त होकर इसका मजाक उड़ाते हो? मैं थप्पड़ मारने इसको, इसको अगर मेरे दोस्त का मजाक उड़ाया तो प्लीज इंसल्ट हिम। आप दोनों को एक बात बताता हूँ, जब आप दोनों अपने गांव से मुंबई आ रहे थे तो पूरा इंडिया आपको देख रहा था। अभी कोने में चल के आपको दिखाता हूँ इंडिया क्या देख रहा था। कम विद मी। हमारे देश की दो चीजें सारे भारत में वर्ल्ड फेमस है, एक कबड्डी और दूसरा अनाड़ी। और अनाड़ीपन की इसी भव्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं बैजू बावरा। टिकट लीजिए, टिकट दिखाओ। आए ये हीरो, ये हीरो किसको बुला रहे? चश्मा पहनो, चश्मा पहनो, टिकट दिखा। टिकट है?
टिकट। मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे तंग मत करो प्लीज, डिस्टर्ब मी। बिना टिकट के आए हो? मैं तो बिना राशन कार्ड के भी आया हूँ। ट्रेन में राशन कार्ड नहीं, टिकट की जरूरत होती है। ओहो, तो फिर ये तो आपके डिपार्टमेंट का कसूर है। जब हर जगह राशन कार्ड की जरूरत होती है तो ट्रेन में क्यों नहीं होती? तुम्हारे पास टिकट है या नहीं? बड़ा चलाक बंदा भी। और जब मैंने आपके डिपार्टमेंट का कसूर निकाला तो बात टाल रहे बड़ी चीज। मेरे डिपार्टमेंट की मगजमारी मत करो, तो टिकट दिखाओ। अब तो ऐसे पहले प्यार से नहीं बोल सकते? मेरी भी कोई इज्जत है, प्यार से बोलोगे टिकट तो क्या, मैं चने खाओ, इसे दिमाग बड़ा तेज हो जाता है। चने नहीं, मुझे टिकट चाहिए। इसके पास है टिकट? तुम्हारे पास है? हाँ है। तो दिखाओ। तुम्हें क्यों दिखाओ? देखो सीधे सीधे से टिकट दिखाओ, वरना मैं तुम्हें ट्रेन से उतार दूंगा। अरे ऐसे कैसे उतार दोगे यार, मैंने टिकट लिया है। अरे तो दिखाओ ना। ये तो एक ही है। हाँ तो मैं भी एक ही हूँ ना। अरे तो इसका टिकट कहाँ है? इसने कहा कि इसका टिकट तुम्हारे पास है। ओए मैं थप्पड़ मार रहा हूँ इसको। देखो मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मैं दे रहा हूँ। देखो शांत हो जाओ, शांति से बात सुनो। देखो मेरा यहाँ आने का मूड नहीं था, मैंने टिकट नहीं लिया। इसका मूड था इसलिए टिकट ले लिया। अब मुझे तंग मत करो प्लीज, ट्रबल मी। समझ गया, चलो फाइन भरो। कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ी जा रहा हूँ, ट्रेन जा रही है। देखो तुमने टिकट नहीं लिया है, फाइन तो देना ही पड़ेगा। यार तुम घूम फिर के वहीं आ जाते, टिकट फाइन तुम्हें और कोई बात नहीं आती? कोई और बात करो, प्यार होता है आपस में। ये टाई बड़ी अच्छी है, क्या बात है। चलो, ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना जुर्म है, तुम्हारे दोस्त को समझाओ। मैं क्यों समझाऊं, ये मेरा काम थोड़ी है। ठीक है तो फिर मैं ही समझाता हूँ इसको। एक मिनट अंकल जी, आप बताओ कि हम आप पे यकीन कैसे कर ले कि आप सच बोल रहे हो? क्या? अरे यार बाबरे, ये तो सच बोल सकता है। वो कैसे? क्योंकि इसने तो कोट पहना है। ओ यार बैजू, पता बात क्या है कि ऐसे ही कोट मेरे दादाजी पहनते थे, अपने गांव के सबसे बड़े झूठे आदमी थे। क्या बात कर रहा है? हाँ। तेरे दादाजी भी झूठ बोलते थे? हाँ? अरे मेरे दादाजी भी झूठ बोलते थे। अरे मेरे दादाजी पता है क्या कहते थे? हाँ? कि वो पानी में मगरमच्छ से भी ज्यादा तेज तैर सकते हैं। मेरे दादाजी पता क्या कहते थे? कहते मैं जहाज से भी ऊपर उड़ सकता हूँ। मेरे दादाजी को उड़ने के लिए टिकट लेना ही नहीं पड़ता था। तो देखा, मैं साउथ से रहा हूं या नॉर्थ से, ईस्ट से रहा हूं या वेस्ट से, लेकिन दिल मेरा फिर भी हिंदुस्तानी रहेगा। क्लैप्स। इस देश का यारो क्या कहना, धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। क्लैप्स। और ये है मेरे देश के यानी अपने सोने सोने नमूने, हवलदार खाले कदम। जापना अकबर विद बीरबल, मालती मनोहर मिश्रा, जिग्नेश भावना और बैजू बावरा। तो देखते रहिए देख इंडिया देख, क्योंकि हम है राही कॉमेडी के, फिर मिलेंगे हर हफ्ते अपने नमूनों के नई नवेली हरकतों के साथ। तब तक के लिए यन्ना यन्ना अपना सुना सुना मी मल्ली अवरुदगा से सारे पुलिस स्टेशन को चीचे पंडी मी कुछ जर्पिंस डान के मैं प्रतिस्ताम मैं।